हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर्स घातांक एवं करणी इंडिकेसिस एंड द शॉर्ट्स लेके आए हैं और हमने इसका अब तक फर्स्ट वीडियो बना दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर उसको देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो बेहतर तरीके से आपको समझ में आए और एक एक क्वेश्चन का आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए। और ये जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आइए चलते हैं, देर नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और क्लास में एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर जो 1 दे रखा है वो दे रखा है 11 + 21 और प्लस दे रखा है यहाँ पर रूट में 16। तो आप इसको किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, तो देखेंगे यहाँ पर जो इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट से निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 आप इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसका जो आप निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4, और जब 4 को आप 21 में ऐड कर लेंगे इसमें तो कितना आएगा 25, और 25 से कितना निकलेगा 5, 5 को इसमें ऐड कर लेंगे तो आप कितना निकलेगा ये 16, और 16 का जब आप निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा 4, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर टू में कहा है 136 और प्लस 57 और प्लस कितना दे रखा है यहाँ पर 49 दे रखा, तो 49 का कितना निकलेगा 7 निकल जाएगा, और 7 को जब इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, और 64 का जब आप कितना ऐड कर लेंगे इसमें 64 का वर्गमूल कितना होगा 64 का वर्गमूल 8 होगा, और 8 को आप इसमें ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144, तो 144 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो फाइनली आ जाएगा कितना 12 आंसर, कितना आंसर निकल के आ जाएगा इसका 12 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा है कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये दे रखा है कि यहाँ से रूट में दे रखा 76 प्लस रूट में 21 और प्लस रूट में 10 और रूट में दे रखा है यहाँ से 36 दे रखा है, तो इसका बना 6 और 6 आपने 10 में ऐड कर लेंगे, ठीक है, और 21 और फिर आपका यहीं रह देंगे 76 प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे और आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 16 बनेगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 4 किस में ऐड कर लेंगे इसमें कर लेंगे, ठीक है, तो जो 4 आप ऐड कर लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा, 5 जब इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से 81 आ जाएगा, और 81 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको सोल्यूशन जरूर समझ में आएंगे। देखो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कि रूट में देखा 44 और यहाँ पर देखा रूट में 19 प्लस दे रखा 33 और प्लस 9 दे रखा है, तो आप यहाँ से इसको देखेंगे यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा, और इस 3 को जब आप इसमें ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा, और 36 का जो वर्गमूल होता है कितना 6, तो 6 आप इसमें ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 25, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आप देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और 5 आप इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा 49, और 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये जाएगा 7 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये भी सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। यदि सोल्यूशन समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा गया है कि यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन दे रखा है 106 माइनस दे रखा है 32 और प्लस दे रखा 25 और माइनस का दे रखा रूट में 81 मतलब 81 दे रखा है, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, और 25 में से आप 9 कम करेंगे तो कितना बनेगा 16, और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, तो 4 आप इसमें क्या कर लेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 36, तो 36 और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस इसमें से कर देंगे कितना बचेगा यहाँ पर 100, और 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 5√2
और प्लस का 3√2 दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो करनी दे रखी है, तो करनी कितनी है यहाँ पर √2, यहाँ भी √2 दे रखी है, मतलब इसके अंदर जो नंबर्स दे रखा है 2 समान है और इनका जो कोफिशियंट अर्थात गुणांक दे रखा है वो 5 और 3 दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी भी करनी समान दी गई हो तो उनके कोफिशियंट अर्थात गुणांक को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8√2, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि √5 प्लस का दे रखा है यहाँ पर 2√5 और प्लस का दे रखा है 3√5 दे रखा है। तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर जो करनी दे रखी है, शॉर्ट से जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, सेम दे रखा था, समान दे रखा है। तो इसका जो कोफिशियंट गुणांक होगा उसको ऐड कर लेंगे 3 और 2 5 और 1 यहाँ पर होगा इसके, क्योंकि 1 को लिखकर नहीं दिखाया जाता, तो कितना होगा 6√ कितना हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 6√5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो को सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भी भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि 13 × √7, लेकिन इसमें रूट जो दे रखा है वो क्यूब रूट दे रखा है और माइनस का यहां से दे रखा है उसने 7 × √7, कितने रखा, √7। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्योंकि इसका जो करनी दे रखी है वो समान दे रखी है, क्या दे रखी है, करनी इसकी समान दे रखी है और यहां पर क्या है, सब्ट्रैक्शन अर्थात माइनस घटाना है। तो जो इसका गुणांक है अर्थात कोफिशियंट है उसमें से इसको कम कर देंगे, 13 में से 7 कम कर देंगे तो 6 और √7 बचेगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा √50, √98 और √72 दे रखा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं आप 25 × 2 और इसको कर सकते हैं आप 49 × 2 और इसको कर सकते हैं आप 36 × 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका वर्ग है, 5 का, तो 5 बाहर निकल के आ जाएगा, √2 बचेगा। यहाँ से किसका, 7 का, तो 7 बाहर आ जाएगा, √2 ऐसे बचेगा। और ये किसका है, 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा और √2 ऐसे बचेगा। बस इनकी करनी समान है तो इसलिए इनके जो कोफिशियंट हैं उनके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 6 और 7 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 18 √2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है वो दे रखा है कि √5 × √7 × √3 दे रखा है। तो यहां से देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है √5 दे रखा है, मल्टीपल में √7 और मल्टीपल में √3 दे रखा है। तो जब इसकी करनी है बात करें तो स्क्वायर रूट से, क्या है, स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर जो नंबर्स है उसकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात 5 × 7 × 3 और फाइनली जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 5 × 7 = 35 = 105 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि √3 × √2 × √5 × √4 दे रखा है। तो मल्टीपल कर लेंगे, किसी जो करनी है वो समान दे रखी है, तो मैं करनी समान कर रखी है तो इन नंबर को सभी को मल्टीपल में करूंगा 2 × 5 × 4 के। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये फाइनली यहां से बनेगा √8 × 5 और 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 इससे क्या निकल कर आ जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा और यहां से बचेगा आपको रूट में, क्यूब रूट्स में 5 बचेगा। भाई 2 तो बाहर निकल कर आ जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, इसलिए 2 बाहर निकल कर जाएगा, 5 ऐसे ही रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√5। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 दे रखा है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भी जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अभी मैं शुरुआत करा रहा हूं वीडियो को, क्योंकि मैं आपको इसका पूरा ही चैप्टर घातांक एवं करनी का कराने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि UP SSSC का पैट में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक सारी वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपका कि यहाँ पर रूट में 15 दे रखा है और भाग दे रखी है कितना,
3 की दे रखी है। तो आप जानते हैं कि इस भाग को क्या कर सकते हैं, इसमें मैं कर सकता हूं कि इस तरह से देखो, ये जो क्यूब रूट स्क्वायर रूट दे रखा है वो 15 भाग कितने कर सकते हैं 3, और इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहां से कितनी बार हो जाएगा 5 बार। तो आंसर हो जाएगा आपका रूट में 5, कितना हो जाएगा रूट में 5 हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है 28 क्यूब रूट्स 28 और डिवाइड दे रखा है अर्थात क्यूब रूट 7 दे रखा है, क्यूब रूट 7 दे रखा है। तो इसको भी हम सेम इस तरह से करेंगे, क्यूब रूट्स 28 डिवाइड कितना हो जाएगा 7, और 7 से इसको ऐड कैंसिल आउट कर लेंगे कितनी बार हो जाएगा 4 बार। तो क्यूब रूट 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूब रूट 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 दे रखा है कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है कि 3/2 + √3 दे रखा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टेक्स में क्या दे रखा है कि डायरेक्टली इस वाले नंबर से इसकी मल्टीपल कर लो ऊपर वाले की, लेकिन क्या होना चाहिए इसमें माइनस होना चाहिए, यहां पर प्लस दे रखा है ऊपर वाले नंबर में माइनस होना चाहिए, ठीक है बस आंसर बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि इसका आंसर होगा वो हो जाएगा मल्टीपल कर लेंगे 2 × 3 = 6 और माइनस का 3 √3, ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है क्योंकि मैंने इसकी मल्टीप्लाई से कर ली और इसकी मल्टीप्लाई से कर ली बस आंसर बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो सॉल्व किस तरह से करेंगे, सॉल्व करेंगे 3/2 + √3 लगाएंगे और इसमें हर का परिमीकरण करेंगे अर्थात 2 − √3 और अपॉन में 2 − √3 कर लेंगे। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 − √3 और अपॉन में जब इसका वर्क करेंगे तो कितना है 4, और जब इसका वर्क करेंगे तो यहां से 3 आ जाएगा। तो फाइनली निकल कर आ जाएगा 6 − √3 / 3 या अपॉन 4 में से 3 कम करेंगे 1, तो आपका जो आंसर निकल के आया यहां से वो 6 − √3 − √3 निकल के आएगा। वही चीज मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 से दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है 3√−1/√3 + 1। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन बना 15√3 − √3 + 1, तो इसका भी अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर का क्या निकलेगा यहां से, उस आंसर को हम देख लेते हैं। तो यहां से जो आंसर बनेगा आपका वो देख लेंगे, 2 − √3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसका करना कैसा है वो मैंने आपको बताया, हर का परिमीकरण कर लेंगे 3 − √3 + 1, तो 3 + 1 − और अपॉन कितना होगा 3 − 1, तो जब इसका वर्क करेंगे तो ये कितना जाएगा 3 + 1 बनेगा और माइनस का कितना हो जाएगा 2√3 बन जाएगा, और बटे में इसका वर्क करेंगे तो 3 − 1, और फाइनली जो आपका यहाँ से वैल्यूज निकल के आ जाएगी 4 − √3 और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2 से जब आप कॉमन ले कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 और 2 − √3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनली 2 − √3 जो होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे इस तरह की बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।